कोर्ट का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट 2023 का है और आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कि बेल के केस में क्या हो रहा है लोगों को पता ही नहीं है और ये तो नया जजमेंट है, तो आपको इससे बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। आपकी बेल हो गई है या फिर आप बेल लेने वाले हैं या फिर बेल आपको मिल नहीं रही है या बेल लेने के बाद भी आपका बेल कैंसिलेशन हो चुका है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। देखिए, जब भी कोई एफआईआर होती है आप जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल लेने, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली है तो कई बार आप जाते हैं सेशन कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब मान लीजिए आपको बेल मिल गई है तो क्या बेल मिलने के बाद भी बेल कैंसिलेशन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, और क्या है सुप्रीम कोर्ट का नया लैंडमार्क जजमेंट, सारी बातें बताएंगे आपको केस के साथ। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मेहनत लगती है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब इस केस में हुआ क्या, जो परिवादी है उसने एफआईआर करवाई कि जो एक्यूज्ड है उसने मेरा रेप किया है बिजनेस एग्रीमेंट के नाम पर और बाद में नए असाइनमेंट के लिए मेरे को वादा भी किया गया और ये कहकर मेरा रेप कर लिया गया। अब जो एफआईआर थी वो अंडर 354 और 506 आईपीसी के अंदर लिख ली गई यानी कि करवा दी गई। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक्यूज्ड को पकड़ा, गिरफ्तार किया और गिरफ्तार होने के बाद एक्यूज्ड ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में रेगुलर बेल लगाई और रिक्वेस्ट की कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है इसीलिए मुझे जो है बेल दे दी जाए। अब जो है एक्यूज्ड को बेल जो है ग्रांट कर दी गई। जैसे ही बेल ग्रांट की गई जो कंप्लेनेंट थी वो हाई अथॉरिटी के पास पहुंची और कहा कि जब मैंने बताया था आपको, जब मैंने कंप्लेन की थी तो ये भी बताया था कि एक्यूज ने मेरे साथ रेप कमेंट किया है और अगर रेप कमेंट किया है तो आईपीसी 376 भी लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लगाया गया। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस ने उसी एफआईआर में आईपीसी 376 भी लगा दिया यानी कि आईपीसी 376 ऐड कर दिया गया। और जैसे ही आईपीसी 376 ऐड किया गया पुलिस के द्वारा बेल को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन लगा दी गई यानी कि बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगा दी गई। अब क्योंकि आरोप गंभीर था, आईपीसी 376 था, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा भी बेल कैंसिल कर दी गई। अब जो आरोपी था वो पहुंचे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा दी गई यानी कि 438 की एप्लीकेशन लगा दी गई और कहा गया ये सारे आरोप झूठे हैं, इतना कोई सबूत नहीं है इसीलिए बेल दे दी जाए। अब हाई कोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट कर दिया गया यानी दे दी गई। अब जैसे ही हाईकोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की गई तो कंप्लेनेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में दो जो पॉइंट थे वो मुख्य डिस्कस यानी टॉपिक पर आए कि हाईकोर्ट के द्वारा जो बेल दी गई है अंडर सेक्शन 438 वो गलत है। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक नया सेक्शन जुड़ गया है तो उसमें जो व्यक्ति है जो एक्यूज है उसकी जो गिरफ्तारी है वो हो सकती है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी को 438 के अंतर्गत बेल ग्रांट कर दी जाती है तो उसमें ये देखना चाहिए कि नेचर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इसमें ये सारी बातें देखनी चाहिए उसके बाद ही देना चाहिए। तो कौन से पॉइंट थे वो क्या देखना चाहिए, नेचर ऑफ ग्रेविटी, ऑफेंस कितना सीरियस है और सारी चीजें देखने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि केस फर्जी है तो बेल दे देनी चाहिए। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कोर्ट को लगता है कि ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए बेल दे भी देते हैं उसको कोर्ट को लगता है कि अगर बेल दे दीजिएगी गई तो ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करेगा या फिर किसी को धमकाएगा, तो ये सारी चीजें देखते हुए ही कोर्ट को जो सही लगता है सारी बातें अगर सही लगती है तो ही ग्रांट करनी चाहिए। और इस केस में 376 एक सीरियस ऑफेंस है और बेल ग्रांट करने से पहले हाईकोर्ट को जो केस है उसकी ग्रेविटी और नेचर को देखना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने बेल दी है वो गलत दी है, नहीं देनी चाहिए थी। बात करते दूसरे पॉइंट की, अब आपने देखा इस केस में इनिशियली सेक्शन 354 लगा हुआ था लेकिन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन 376 भी लगा दिया गया, ऐसे में उस एक्यूज्ड की बेल हो सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए जजमेंट में प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का भी जिक्र किया और कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर नई धारा जुड़ती है तो बेल कैंसिलेशन हो सकती है। अब बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपको बेल मिल गई है
है, लेकिन यूनिवर्सिटी इरिगेशन के दौरान लगता है कि आपने और कुछ भी किया था, यानी कि कुछ नया सेक्शन आपके ऊपर जोड़ दिया गया, तो आपकी बेल कैंसिल हो सकती है। फिर अगर आप कैसे बच सकते हैं, फिर आपको फ्रेश बेल एप्लीकेशन लगानी होगी। फिर भी बेल को लेकर अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए जो जजमेंट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जजमेंट को पढ़कर अगर आपके केस में उससे कोई भी हेल्प हो सकती है प्लीज ले लीजिएगा। लेकिन आप हमसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।